हम सब देखेंगे पांचवा हीट वुमेन्स 100 मीटर। द्युति चांद आपकी स्क्रीन पर, भारत की उम्मीदों को लेकर इनका पर्सनल बेस्ट 11.17 सेकंड्स। द्युति चांद तैयार है इस 100 मीटर हीट के लिए। लेन नंबर तीन में जो उनके साथ है मिशेल ली, उन पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि वो कड़ी चुनौती पेश करेंगी डिफेंडिंग चैंपियन करंट क्वालिफायर्स बाय टाइम, जो थ्री फास्टेस्ट क्वालिफायर्स हैं जो टॉप तीन में अपनी अपनी हीट में नहीं फिनिश करी, उनके नाम आप देख पा रहे थे स्क्रीन पर। द्युति चांद का सीजन बेस्ट 11.4। द्युति चांद भारत के लेन नंबर टू में इस समय पिछड़ रही है क्योंकि तीसरे लेन में नाइजीरिया की गैब्रियल जो है वो पहले में, द्युति चांद अब 20 दौड़े बनी हुई है लेकिन क्या टॉप थ्री में फिनिश ही नहीं, आखिरी 30 मीटर में मामला गड़बड़ा गया, पूरा समीकरण चेंज हो गया और ट्रिनिडाड और टोबेगो की मिशेल ली ए भी देखना चाहेगी कि उनका फिनिश टाइम क्या था। द्युति चांद शुरुआत की रमन ऐसा लगा कि शायद एक और गियर होगा उनके पास, मगर अफसोस वो हुआ नहीं। देखिए हीट तो अपने नाम कर ली है और क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल्स के लिए मिशेल ली ने, इसीलिए अंतिम कुछ मीटर्स में पुल अप भी किया, उतना ज्यादा एफर्ट देखने को नहीं मिला। 11.14 का जो टाइम है वो इतना तेज नहीं जो हमने कुछ और हीट्स में देखा हो, लेकिन काफी है उनको इस हीट में जीत देने के लिए। थोड़ी सी स्लो स्टार्ट थी मिशेल ली के द्वारा, वहां पे द्युति चांद की बात करें तो तेज तरह शुरुआत तो थी बिल्कुल, लेकिन उसके बाद अब अंतिम स्ट्रेच पे नजर डालिएगा लास्ट 40 मीटर्स के अंदर, वहां पे बाकी फील्ड पुल अवे कर गया। 2010 समर यूथ ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट चाइना गेथर का गजब का कमबैक, लेकिन मिशेल ली है 2018 की गोल्ड मेडलिस्ट, इनका पर्सनल बेस्ट 10.82 और उम्मीद के मुताबिक दौड़ी है ये ट्रिनिडाड और टोबेगो की स्प्रिंटर। आत्मविश्वास साफ झलकता हुआ, जानती थी क्या कर रही है, कब इन्हें एक्सेलरेटर पुश करना है। एक पल के लिए लगा था कि नाइजीरिया की गैब्रियल बाजी मार जाएगी, लेकिन मिशेल ली जानती थी कि उनके पास एक अलग गियर आएगा जो लगाएगी वो सही समय पर। और उसके बाद आप ये देखिएगा रन जो बहामास की टानिया गेथर की तरफ से देखने को मिला, उन्होंने भी लेट पिकअप किया लास्ट 60 मीटर्स के अंदर, क्योंकि देखिए उनकी भी स्टार्ट लेन नंबर 7 के अंदर टानिया गेथर थी, उनकी भी इतनी तेज तरह शुरुआत नहीं थी, लेकिन उसके बाद पिकअप किया और दूसरे स्थान पर फिनिश किया। पर मिशेल ली आए काफी तेज तरह इस हीट के अंदर, इस हीट को अपने नाम करते हुए। और यहाँ पे देखिए कि जॉय गैब्रियल जो नाइजीरियन रनर थी थोड़ा सा पिछड़ती चली गई जैसे अंतिम 25 मीटर आए और तीसरे स्थान पर फिनिश किया।